वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहे साहब, मानवता चैनल में जुड़े हुए दर्शकों का बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए खास मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से कमलेश दास जी, दिल्ली से नवरतन साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर भारत से आप सात सतनामी हैं। छत्तीसगढ़ से डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जांगड़े साहब। अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और छत्तीसगढ़ से डॉक्टर एस के कुर्रे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आप सभी मेहमानों सतनाम का वाय साहब मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, सभी को सतनाम। जी, वही खालसा वही फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी सत आज के इस आपसे कार्य आज के इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करने से पहले हम मेहमानों को बता दें कि उत्तर भारत के जो हमारे सात भाई जो जुड़े हुए हैं, नवरतन सात जी, जिन्हें 40-50 सालों का सतनामियों का इतिहास के संदर्भ में बहुत जानकारी है और अनुभव भी है। हमारे साथ कमलेश दास जी कोटवा धाम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम आज विचार आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। मैं आज के प्रमुख विषय को लेकर के बताना चाहूंगा कि सतनामी संप्रदाय का भारत में गौरवशाली इतिहास, और सतनाम और सतनामी के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मैं सबसे पहले कमलेश दास जी के पास जाना चाहूंगा। कमलेश दास जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? कमलेश दास जी, हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जी जी, तो सबसे पहले शिक्षा के संदर्भ में अपनी विचार रखते हैं कमलेश दास जी। देखिए, सतनाम की उत्पत्ति सतपुरुष से हुई है और उसे शिष्टकर्ता सतपुरुष कहते हैं। सबसे जी मुख्य बात यह है कि सतनाम का इतिहास अधिकांश लोग ज्यादातर 1672 से नारनौल के युद्ध से मानते हैं, लेकिन जहां तक मेरा विचार है अच्छी तरह से कि सतनाम की उत्पत्ति और शिष्ट की उत्पत्ति एक साथ हुई है, और दोनों की उत्पत्तकर्ता शिष्टकर्ता सतपुरुष है, जिसे हम पारब्रह्म कहते हैं, और जिसके बारे में घट रामायण में लिखा है, अब हम कहूँ आद अगत कहानी, ताती गति अति संत बखानी, प्रथम पुरुष अनाम अनाया, जस हिलोर भई सत माया, माया नाम भया एक थोरा, सत मत नाम बांध एक डोरा, सत्य लोक साहब सत साई, सत्य मिले सत नाम कहाई, चौथा पद सतनाम भाखा, सोई सतनाम अभिलाषा, सतनाम कमलेश निर्गुण कमलेश जी, से अपनी आया। आप अपनी कैमरा को ठीक रखें, आपका चेहरा कट रहा है। कमलेश जी जी, अभी ठीक है? तो मैं अच्छी तरह से बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि सतनाम की उत्पत्ति जो है शिष्ट की उत्पत्ति के साथ हुई है, और शिष्ट की उत्पत्तिकर्ता और सतनाम, क्योंकि शिष्टकर्ता ही सतनाम है, तो सतनाम आदि से नहीं है, शिष्ट के साथ से ही उत्पत्ति है। जैसा कि तुलसी साहेब हाथरस ने जो है घट रामायण में एक बार फिर कहा है, सतलोक एक पुरुष अपारा, चौथे पद से पार बिचारा, तास अंश जीव है न्यारा, जाको चौथे पद के पारा, सो निर्गुण जो भया, जामे लघु निरंजन कहिया, पुरुष निरंजन ज्योत है नारी, ये दुई मिल शिष्ट रचारी, निरंजन पिता ज्योत है माता, ये तीनों इनसे उत्पाता, सत्य नाम निर्गुण है राई, तासे अंश ज्योत उपजाई। तो इस तरह से
तुलसी साहब हाथरस के बहुत उच्च कोट के संत हुए हैं, जिनकी घट रामायण मुख्य रचना है। मैंने ये जो साखी प्रयोग किया है उनकी रचना है। इसके साथ साथ सिद्ध की उत्पत्ति के विषय में हमारे आदिकाल से महापुरुषों ने, सभी संतों ने ये विश्वास के साथ कहा कि इस संसार की सृष्टिकर्ता कोई ना कोई अवश्य है, कोई शक्ति अवश्य है, चाहे वो निराकार हो सकती है या साकार हो सकती है, वही इस संसार का संचालन करती है। इस संसार की उत्पत्ति ही शब्द और नाम से हुई है, और ये संसार जो है जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसके संबंध में समर साईं जगजीवन साहब ने एक शब्द कहा है, शून्यकार से शब्द भा, शब्द से भा निराकार, निराकार से आदि ज्योत भय, यह जग हुआ पसार। पार ब्रह्म अपार है, अलकत ज्योत अखंड, जहां जग जीवन रम रहे काट मोह का फंद। तो इस प्रकार इसे पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि सतनाम जो है 1672 नावल के युद्ध से ही नहीं है, बल्कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, यहां तक हवा पानी कुछ भी नहीं था, शून्य था, उससे पहले सत्पुरुष इस संसार में मौजूद था और उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। अभी हमने जो एक साखी पढ़ी है, सतनाम सो निर्गुण आया, ताको ब्रह्म वेद बतलाया, यानी सतनाम ही सर्वोपर है और सतनाम जो है सृष्टिकर्ता सत्पुरुष है। और यहाँ तक कि सतनाम के विषय में कबीर साहब ने बीजक में भी लिखा है, और क्या कहते हैं सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी सतनाम का उल्लेख हुआ है। यहाँ तक बाइबल और गीता, कुरान और उपनिषद में भी सतनाम का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अवेस्ता ग्रंथ में भी सतनाम का उल्लेख है। तो सतनाम आज का नहीं है, सतनाम तो शिष्य के साथ ही उत्पन्न हुई है। अगर हम इसको नारनौल के युद्ध से हम सतनाम को जोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा होगा। और यहाँ तक कि महाभारत में, गीता में, रामायण में और उपनिषद में भी सतनाम का उल्लेख हुआ है। और एक रामचरित मानस में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है नारद से कि जाय जपो शंकर सतनामू, वही है हृदय तुरंत विश्रामू। तो इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि सतनाम जो है आज का नहीं है। सन 1662 से बहुत पहले, जब से शिष्ट की उत्पत्ति हुई तभी से सतनाम चला आ रहा है। यहाँ तक कि मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वहां भी लाशों को दफन किया जाता था, और आज भी सतनामियों की लाशों का दफन किया जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि सतनाम जो है सृष्टिकर्ता सतपुरुष जो है पार ब्रह्म है, और वहीं से सतनाम है, उसका सतनाम नाम ही है। इसलिए सतनाम जो है आज अनाद है, वो अलख निरंजन है, वो अगम अगोचर अविनाशी है, उसके बारे में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बहुत शुक्रिया कमलेश दास जी, बाराबंकी से कोटवा धाम से आप जुड़े हुए हैं। मैं जितेंद्र जांगड़े के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, सतनाम और सतनामी का क्या संबंध है, और सतनाम के मानने वाले दुनिया में करोड़ों करोड़ों हैं, जिसमें कबीर साहब के मानने वाले सतनाम को मानते हैं, सिख समाज के प्रथम गुरु से लेकर दसवें गुरु जी तक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की, और सारे गुरुओं की वाणी को उसमें गुरु ग्रंथ में जो वाणियों को विचारों को उसमें गुरु मानने का जो दसम गुरु जी ने उपदेश दिया, तो कहीं ना कहीं विचारों को लेकर, सतनाम को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। हमारे साथ नवरत्न साथ जी भी जुड़े हुए हैं, तो आप सतनाम और सतनामियों के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी दें। जितन जांगड़े जी। हाँ, सबको सतनाम, सत श्री अकाल। मैं सतनाम और सतनामी, सतनाम हमारा परम पिता है, जिन्होंने सृष्टि का सृजनहार किया है, उनको हम लोग परमात्मा स्वरूप मानते हैं। सतनाम जन्म मृत्यु काल से परे हैं, क्योंकि सतनाम ही इस जान का बनाने वाला है, और इसी को हम लोग कहते हैं
नई रही धरती, नई रही चकासा, नई रही चंदा सूरज, नई रही पवन प्रकाशा, तो पिंड स्वरूप सतनाम करवासा। महापिंड है सतनाम है, जो जिससे पूरी ब्रह्मांड का, पिंडों का, आकाश पताल सूर्य चंद्र सबका उत्पत्ति हुआ है। और यह सतनाम और सतनामी का उदय पंच सिंधु घाटी के पहले सतनामी घाटी का ही सभ्यता था। आज मोहनजोदड़ो पिक्चर में भी देखा है कि उस समय लकड़ी का पूजा करते थे, सराई लकड़ी का। आज हम लोग सतनामी लोग सराई लकड़ी का ही प्रकृति स्वरूप पूजा करते हैं, जय स्तंभ बनाते हैं। और वहां पर जो हमारे कमलेश दास जी ने कहा कि डेड बॉडी लाश गड़ाने का जो है वो हम ही लोगों का है, जो आज निकल रहा है जीवाश्म, वो विघटन के कारण ही सिंधु घाटी की सभ्यता का के पहले सतनामी घाटी का विनाश हुआ, फिर सतनामी लोग आगे बढ़े। और सतनामी का उत्पत्ति उत्तर भारत ही है, क्योंकि नारनौल पंजाब में सतनाम लेवा कई संत जन्म लिए हैं, जिन्होंने सतनाम का प्रचार किया, सतनामी का प्रचार किया, सतनामी धर्म का प्रचार किया, जैसे कि सतीदास, मतीदास, गोविंद राय, मेदिनी दास, सगुन दास, दयाल दास, ये सब सतनामी थे। क्योंकि दास का मतलब होता है सतनाम का दास, सतनाम का भक्ति करना को उस समय दास कहते थे। तो ये जितना भी संत दास लोग हुए हैं ये लोग सतनामी ही थे और सतनाम का ही समर्थक था, क्योंकि सतनाम का मतलब है सत्य, अहिंसा, परोपकारी, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, ये है। और किसी ही पर जुल्म को सहन नहीं कर पाते थे सतनामी लोग, जैसे कि नारी पर अत्याचार, गौ पर गौ हत्या औरंगजेब का विरोध का मुख्य कारण था, क्योंकि सतनामी ने जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाया। उन्होंने नारी अत्याचार और गायों की हत्या पर का विरोध में, किसानों की हत्या के विरोध में तो आंदोलन था, वही सतनाम आंदोलन है, क्योंकि सतनाम के मानने वाला है जो कभी अन्याय और जुल्म के सामने सर नहीं झुकाते। ये मुख्य कारण है जो औरंगजेब की लड़ाई का, और सतनामी लोगों ने उस औरंगजेब से भिड़ गया, जिस औरंगजेब का प्रभाव पूरे भारत ही नहीं अन्य देशों में था, वैसे राजा को लड़ाई में हरवा दिया, फिर उन्होंने कूटनीति के साथ जीता। फिर सतनाम और सतनामी का जो प्रचार है जो विघटन के कारण लुप्त तो हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास का जन्म हुआ। और आधुनिक युग में जब हम टेक्निकल लॉजी से, जब अन्य राज्य के सतनामी समाज सतनाम के मानने वाले संतों से जुड़े, तो आज पुनः फिर अमृत तो प्राप्त हो गया है, सतनाम धर्म सतनामी है जो। और आज उत्तर भारत से, भारत के अन्य राज्य से आज लोग जुड़ करके फिर अपना सतनाम और सतनामी को परमात्मा से जोड़ करके इस भारत भूमि को, विश्व को, विश्व शांति की ओर केवल सतनाम ही ले जा सकता है, सतनामी ही ले सकता है, तो फिर जुड़ करके और अच्छे प्रयास कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है भाषा मानवता चैनल में। ब्रिजेंद्र सिंह जी, जी ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारे साथ आज बाराबंकी उत्तर प्रदेश कोटवा धाम से कमलेश दास जी जुड़े हुए हैं, शायद उनसे परिचित भी हैं आप। तो जिजंग से सतनाम और सतनामी की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में चर्चा हो रही है, और दुनिया में जितने भी पंथ और संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सतनाम के मानने वाले हैं, वो सब एक हैं, इस संदर्भ में अपनी व्याख्या करें ब्रिजेंद्र सिंह जी। जी आपने सही कहा है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। सत्य और अहिंसा, जैसा कि जांगले साहब ने बताया, ये कोई आज के सिद्धांत नहीं है, और सत्य कोई निर्माण नहीं होता, सत्य तो पहले से ही, सत्य का अन्वेषण होता है, सत्य की खोज होती है, और सत्य से ही दुखों का निपटारा हो सकता है। आदमी मानव जाति के जितने भी बुराइयां हैं, चाहे जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो, गरीबी हो, अपमान हो, शोषण हो, अगर इनका अंत करना है तो बिना सत्य नाम के, सत्य के से साक्षात्कार किए बिना नहीं हो सकता। आज जो झूठ का राज है, हम लोग सत्य नाम कहें और अगर हमारा विश्वास सच्चाई में, अहिंसा में है, तभी वो हमारा कल्याण हो पाएगा। वो जो
तोते की तरह राम राम कहने से तोता जी मेघरा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बृजन सिंह अच्छा मेघरा जी बाती हो रही है उनसे तो जरूर कुछ कहलवाइए आप बोलने तो अच्छा है। मेघरा जी बोलिए। हाँ मेघराज जी क्या हुआ गया पता नहीं आप बहरहाल ब्रिजेंद्र सिंह जी अपनी बात रखें। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि देखिए सत्य की शक्ति महान शक्ति है और ये सत्य कोई नया नहीं बनता। सत्य तो सत्य पे संसार चल रहा है और सत्य और अहिंसा ये आज के सिद्धांत नहीं है। चाहे बुद्ध ले लीजिए महावीर ले लीजिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक से की जो संस्कृति है ये कोई नई चीज नहीं है। बस ये है कि इस पे जीवन पे चलने वाली बात है। वो कबीर साहब ने कहा है कि जो तोता है वो राम राम कहता रहता है, हैं? और उसकी सब चतुराई रखी रह जाती है वो बेचारा पिंजड़े में बंद भी रहता है तो वो कहते हैं चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शबद समाए। कहा चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शबद समाए और कोटिन गुड़ सुआ पड़े अंत विलैया खाए। तो सत्य तो बहुत बड़ी चीज है। सत्य मानव जाति के दुखों का निवारण का कारण है। अगर हम अकेले जातिवाद से ही अपना पीछा छुड़ा लें तो ये मान लेंगे हाँ सचमुच सत्य नाम के पुजारी हैं। अब तो सत्य नाम कहते रहते हैं अकेले और जिन जिन संतों ने ये कहा कि भाई मानव जाति के स्तर पर उठ जाइए आप ये संकीर्णताओं को छोड़ दीजिए तो हमारा टेस्ट इससे होता है कि हम कितना सत्य नाम को जानते हैं। सत्य में पक्ष और विपक्ष देखा जाता है। सत्य जो है एक वैज्ञानिक चीज है। सत्य को खोजा जाता है। सत्य आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जाता। वो कहते हैं यूरोप में यूनान में किसी ने अरस्तु ने हेलो कुछ अरस्तु ने अरस्तु से कहा कि भाई आप अपने गुरु की आलोचना कर रहे हैं तो उसने कहा कि मैं गुरु के पास सत्य को जानने के लिए गया था और अगर बात सत्य में और गुरु में दोनों में मुझे सेलेक्ट करनी है तो मैं सत्य को ही सेलेक्ट करूंगा। तो ये सत्य सर्वोपरि है और इसीलिए संतों ने कहा है शबद गुरु को कीजिए गुरुआ बड़े लवार और अपने अपने स्वार्थ को ठोर ठोर बटमार। तो शब्द ही सत्य है। सच्चाई से ही कल्याण होना है। सच्चाई से ही हमारा जितना भी हमारा जो शोषण हो रहा है हमारे समाज का गरीबी है अपमान है इससे मुक्ति होगी लेकिन तोते की तरह पढ़ने से नहीं होगी। सचमुच पहला हम अगर सचमुच सतनामी हैं तो पहला हम ये विश्वास करें कितना हमने जातिवाद को अपने जीवन से निकाल दिया है कितना हमने संप्रदायता से मुक्त हो गए हैं कितने अंधविश्वासों से मुक्त हो गए हैं। अगर हम अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुए हैं जातिवाद से मुक्त नहीं हुए तो समझिए पहले ABCD के टेस्ट पे फेल हो गए हम। फिर वही कबीर ने जो कहा है कि अब चतुराई कर रहे हैं खाली हम चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शबद समाए और कोटिन गुण सो अपने अंत में लिया खाए। नौशाद उस्मान साहब जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है नौशाद उस्मान साहब जी आपके घर से आवाज आ रही है जो भी जिनके घर से आवाज आ रही है कृपया आवाज साइलेंट करें। आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम लाइव चल रहा है तो जो भी बच्चे आवाज कर रहे हैं उसको बंद करें। उस्मान जी आज के अपनी आवाज को म्यूट करें। नौशाद जी मैं कह रहा हूँ कि जो भी बोल नहीं रहे हैं अपने आप को म्यूट कर लें जो बोल रहे हैं उनको अनम्यूट करें खाली। मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब जैसा कि आज चर्चा हो रही है सतनाम और सतनामी के संदर्भ में हेलो भाटिया साहब मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन किया था। नौशाद साहब बोलेंगे उस्मान साहब तो मैंने यही कहा था जो बोल नहीं रहे हैं वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपने आप को म्यूट कर लें ताकि पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं और सुनाई नहीं देता। ठीक है हाँ उस्मान साहब आप बोलिए। उस्मान साहब अपनी बात रखे। जी जी मैं कार्यक्रम सुन रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत अच्छा लगा विशेषकर सतनामी संप्रदाय के विषय में जानकर अब्दुल कबीर साहब से बहुत करीब रहा है ये संप्रदाय। अब्दुल कबीर ये नाम जानकर कुछ लोगों को थोड़ा सा ये होता है
एक्चुअली उनका नाम अब्दुल कबीर ही है, कबीर जी, कबीर नाम जो है, कबीर जी जो शब्द है वो अरबी शब्द है, उसका नाम होता है बड़ा महान। और जो अल्लाह के 99 नाम है, जो 99 नाम आए हैं कुरान के अंदर, उसमें 37 नंबर का, 37वां नंबर का नाम कबीर है। लेकिन अल्लाह के ये जो 99 नाम है वो किसी बंदे का रख नहीं सकते हम, जैसा रहीम है, करीम है, और कबीर है, या अल्लाह है, या इस रहमान है, राजिक है, ये सारे अल्लाह के नाम है, हम रख नहीं सकते। तो पहले लगाना पड़ता है अब्दुल, अब्दुल का मतलब होता है दास। तो अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल करीम, अब्दुल कबीर, ऐसे नाम रखे जाते हैं। सिर्फ रहीम रखना, सिर्फ रहमान रखना, ये पाप माना जाता है, कोई मुसलमान नहीं रखता। तो वो जो नाम रखा गया था वो अब्दुल कबीर नाम रखा गया था, मगर कुछ मनुवादियों, कुछ वर्णवादियों ने उसको भी चेंज कर दिया और अब्दुल का ट्रांसलेशन कर दिया। नामों का ट्रांसलेशन नहीं होता, जैसा मेरा नाम नौशाद उस्मान है, नौशाद का मतलब होता है न्यू गुड न्यूज, तो कोई न्यू गुड न्यूज उस्मान नहीं कर सकता, अंग्रेजी में भी लिखना है तो नौशाद ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो नामों का ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने नामों का ट्रांसलेशन कर दिया, अब्दुल का जगह दास कर दिया, और बाद में जो दोहे जो मौखिक थे, जो रिटर्न में नहीं थे, बाद में उसमें मिलावट कर दी, उसको बोलते हैं प्रक्षेप। संत साहित्य में प्रक्षेप आया है, लोगों ने अपनी मिलावट की कई चीजें डाल दी। दास जो अब्दुल कबीर साहब है उनके भी दोहों में बहुत सारी फिर मिलावटें उसके बाद कर दी गई है। जैसे कि अजान के ताल्लुक से उनका जो दोहा है उनका हो नहीं सकता, क्योंकि जो अजान है वो बंदे को पुकारी जाती है, अल्लाह को पुकारी नहीं जाती, अल्लाह तो जो है वो सब कुछ सुनता है, लेकिन अब्दुल कबीर साहब के नाम से घुसेड़ दिया वो उस दोहे को। तो ये हुआ है, मिलावट हुई है संत साहित्यों में, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब्दुल कबीर साहब जो है वो एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर को, एक अल्लाह को, एक उसी गॉड को मानते थे, उसी अस्तित्व को मानते थे। और ये बात बहुत सही है कि अल्लाह के शब्द क्या है, उसका शब्द क्या है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि मेरे घर का एड्रेस मैं बता सकता हूँ अच्छे से, कोई मेरा मित्र भी रहा करीबी तो वो नहीं बता सकेगा। उसी तरह से ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, उस निराकार की को कैसे प्राप्त करना है, उसकी उपासना कैसे करनी है, वो जानता है, हमसे ज्यादा वो जानता है। लेकिन कुछ भक्त जो है वो भगवंत से भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं साहब आपको नहीं मालूम, कि हे ईश्वर तुमको नहीं मालूम, हमको मालूम है तुमसे ज्यादा, और अपने नाम से ग्रंथ लिख दिया, अपने नाम से कई चीजें लिख दी और कहा कि ऐसे उपासना की जाए। नहीं, वो कहेगा उसने कुछ संदेष्टा भेजे और संदेष्टाओं के द्वारा जो है वो लोगों को बताया कि उसकी उपासना कैसे करी और अमल कैसे करना है। अभी बहुत अच्छा कहा इन्होंने हमारे एक साथी ने कि अमल जरूरी है, पंथ का, अपने जाति का, अपने समुदाय के अहंकार और उसके इससे ज्यादा जो है आचरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि हम आचरण कैसे करें। तो सिर्फ शब्दों का शब्द जो है सिर्फ वो जपने के लिए नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने के लिए नहीं है, वो आचरण के लिए है कि वो रहीम है तो मैं भी जो है मेरे अंदर भी रहम आए, है ना, वो करीम है तो मेरे अंदर भी लोगों पर कर्म करने का गुण प्राप्त हो, ये उसके गुण है जिसे सिफात कहा जाता है, ये उस गुणों को अपने अंदर लाने का हम प्रयत्न करें, ये संदेश। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, मैं भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आज का जो हमारा तीसरा सेशन चल रहा है सतनाम और सतनामी संप्रदाय के संदर्भ में, तो मैं आपसे मुख्य रूप से इस बात को लेकर के जाना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर में सतनाम को मानने वाले, चाहे सिख समाज में वाहेगुरु सतनाम बोलते हैं, कबीर पंथ में साहिब सतनाम बोलते हैं, साध सतनामियों में सतनाम बोलते हैं, तो आखिर ये मूल जो मंत्र है ये सतनाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, और इसके बारे में जिस ढंग से गुरु नानक जी ने कहा था कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजिया कौन वले तो बंदे, तो जिस ढंग से सतनाम की व्याख्या को गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो व्याख्या करी है, तो इस संदर्भ में चूंकि आप गुरुओं के एक शिष्य के रूप में सिखों को माना जाता है मानवता के लिए, और आज वाई साहब मानवता चैनल में हम इस सब्जेक्ट को इसलिए भी चुने हुए हैं कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में ऐसी सतनाम और सत्य धर्म की बातें बहुत कम होती है। तो बहरहाल मैं भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा कि सतनाम की उत्पत्ति और इसके संदर्भ में व्याख्या करें।
जी, सबसे पहले सबको प्रणाम सलाम सत श्री अकाल। जो जो पीछे आप सब ने कहा है, कमलेश दास जी ने, डॉक्टर जितेंद्र जी ने, विजेंद्र सिंह जी ने, नशाद साहब ने, सभी ने एक ही बात कही है और सबका मतलब वही है। भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन जो कहा गया है वो सत्य है। गुरु नानक ने जब जपजी साहब लिखा तो उसके प्रीएम्बल में, जिसे हम मूल मंत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, एक ओंकार सतनाम, जो आदि से, आदि का मतलब होता है जो इस शिष्य के बनने के पहले ही, शिष्य के से भी पहले वो आदि होता है। वो आदि एक सत्य है, वो गुरु नानक ने उसको एक बोला, वन, एक ओंकार। ओंकार भी उसकी दूसरी अवस्था है, और उस सत्य को जो एक है, जो एब्सोल्यूट है, इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहेंगे, जो सदी भी है, आदि सत, जुग आदि सत, है भी सच, नानक होसी भी सच, उसको हम सत्य है, वो सत्य है, उसको नाम से जानते हैं। नाम जो है, नाम ऐसा है कि जो इंसान है, हम किसी भी चीज को, किसी के बारे में बात करने के लिए हमें कोई शब्द चाहिए होता है। बिना शब्द के हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सारा जो ज्ञान विज्ञान जो भी है वो हमारी इंसानी भाषा में है। अगर कोई भाषा ना होती तो हम क्या कहते। तो सत्य जो है वो सत्य ही है, एक है, जो आदि है, जो सृष्टि के पहले है। जैसे अभी कमलेश जी ने कहा, वही जो गुरुवाणी में एग्जैक्ट लिखा है वही उन्होंने बोला है कि जब तक ना सूरज थे, ना चंद्र थे, ना आकाश थे, ना धरती थी, सब तरह अंधेरा था। गुरु नानक ने लिखा है, अरबद नरबद धुंधुकारा, न चंद न सूरज न प्रकारा। दूसरा, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, ना धरती थी, ना आकाश भी, सब अंधेरा था। उस वक्त भी वो सत्य था, वो ही सत्य नाम है। तो उसका कोई ओरिजिन है ही नहीं, उसका ओरिजिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो है, हमेशा था, हमेशा ही रहेगा। ये धरती सब सृष्टि खत्म हो जाएगी, वो फिर भी वो रहेगा। तो ये गुरु नानक का मूल मंत्र है। तो जो आप ही ने कहा, कमलेश जी ने कहा, जितिन डॉक्टर साहब ने कहा, एक ही शब्द, डिफरेंट शब्दों में, डिफरेंट बातों में एक ही सत्य को बोला है, और वही गुरु नानक का मूल सिद्धांत है, जो 1500 ईस्वी में उन्होंने लिखा था जपजी साहिब में। वो जो सारे ग्रंथ साहब का वही मूल है। तो अलग अलग भाषा में, जैसे आपने कहा, विजेंद्र सिंह ने भी कहा, जैसे उस्मान साहब ने कहा, अल्लाह अल्लाह कहने से कुछ नहीं होता। तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की जो वाणी है उसमें लिखा है, राम 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 जग करता फिरे, राम न जाने को। राम बोलने से राम नहीं हो जाता, राम को खिलौना बना के लोगों ने समझ रखा है। लोगों ने राम को एक खिलौना बना के उसके साथ खेलते हैं, लेकिन वो राम को जानता कोई नहीं। तो यही बात है जो आपने सबने कही है, वही बात गुरु साहब ने कही है, वही दूसरे संतों ने कही है, वही आपके संत श्री घासीदास ने कही है। लेकिन सवाल, जैसे सिंह साहब ने कहा, विजेंद्र सिंह जी ने, कि हमें आचरण, जो उस्मान साहब ने बहुत बहुत ही सुंदर बात कही है, बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने, तो ये हमारा आचरण का है विषय। इसमें गोटा लगाने की बात नहीं है कि हम बार बार उसको बोलते रहे। तोता ही बोलता रहेगा आपको टेप रिकॉर्ड में, बाद में टेप रिकॉर्ड नहीं चलता रहे, तो वो बात नहीं है। तो जो आपका प्रश्न था कि सत्य नाम की शुरुआत कहाँ से है, तो एग्जैक्टली जो श्री कमलेश जी ने कहा है, कमलेश दास जी ने, वही गुरु नानक ने लिखा है, क्योंकि उसका कोई बिगनिंग नहीं है, ना उसने किसी को बनाया है। वो सत्य नाम कर्ता पुरुष करता है और अपनी सृष्टि में खुद ही है। ये सारी सृष्टि जो है उसी का स्वरूप है, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति। वो अकाल है, अकाल से मतलब ये है कि वो टाइम की दौर में नहीं है, और ना उसको जन्म हुआ है, ना उसको जन्म देने वाला कोई है। सो अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद, वो गुरु उसको समझा सकता है, और उसमें बहुत गुरु हुए हैं, दासी दास भी हुए हैं, नानक भी हुए हैं, कुरान में भी लिखा है, गुरु साहब ने लिखा है, जैसे आपने अभी बोला। तो
वही एक बात है। तो सतनाम के सब समझने वालों को, बोलने वालों को नहीं कहूंगा मैं, सतनाम को समझने वाले जो है उनको एक आवाज में इकट्ठा होना है और अपने अधिकारों को मानना है और समझना है। जो मैंने पहले भी कई बार कहा, विजेंद्र सिंह ने भी अभी कहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जातियों में बटे हुए हैं सिर्फ भाषा के नाम से, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, ये तो संसारी बातें हैं। असल में हमने इंसान जाति में इंसानियत को समझा ही नहीं, हमें समझना जरूरत है इंसानियत को। ना हम कोई आदिवासी है, कोई ओबीसी है, एबीसीडी है, मुझे इन शब्दों से नफरत है क्योंकि ये बिल्कुल डिग्रेडिंग शब्द है, ये अपमानजनक शब्द है। सबसे पहले उनको हटाना होगा आपको अपने नामों से, हम ओबीसी एबीसी एससी जो भी आप कहते हैं जिसे, उनको हटाना होगा अपने नाम से और सतनाम से जुड़ना होगा। और हम सभी सतनाम से जुड़े हैं, सिर्फ बातें अलग हैं, शब्द अलग हैं, भाषा अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो यही बात कहना है मुझे, अभी सभी आप वही बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेघराज जी अपने आवाज जी का, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सबनों पहले तो पहली बात तो ये है कि मतलब जो आपने इतने बोला है इसमें बीच कि किसी ने कि गौ की मतलब गौ हत्या के ऊपर सतनामी कर खड़े होते थे या मतलब जनानी के जो मतलब ये जो गौ हत्या का जो मसला है ना, ये ब्राह्मणों के साथ जुड़ी मसला है, इसको थोड़ा देखें। और जसवीर सिंह भाटिया जी बोले थे पहले जो किताब इन्होंने पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें इसकी बात की गई, क्या नाम है, शिव जी महाराज की या उसकी पार्वती की, तो सतनाम तो इनसे बहुत ऊपर है। सतनाम का मतलब ही है कि रब है, तो रब तो रब रब किसी के ना शिव जी का ना पार्वती का किसी का भी नहीं, वो सबसे ऊपर है। तो इसमें जो थोड़ा ध्यान दे, इसमें गौ जो हत्या होती है या गौ की जहां भी गौ ब्राह्मण भी साथ में जुड़ा होता है कहीं ना कहीं वो, तो जब जबकि अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो गौ हत्या सबसे तो ब्राह्मण करते हैं। पहले इनके जो ग्रंथों में देखे लिखा हुआ है जो है वो मतलब गौ वध होता है, मतलब गौ यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ से इसमें नर 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 यज्ञ भी है। जब इंसान को मारते हैं या इंसान को काट देते हैं तो सबसे जो है जहां भी गाय की बात आएगी वहां ब्राह्मण की बात जरूर आएगी। तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को ध्यान से पढ़े और ध्यान से वाच करें, कहीं ना कहीं उसमें घुसपैठ की गई है कि घुसपैठ करने की पुरानी आदत है कि नए नए इतिहास को उखाड़ करके मतलब पुराना इतिहास को मतलब बंद करके नया इतिहास जोड़ देना, ये ब्राह्मण की पुरानी आदत है। पुस्तरी इनकी जो कमियां है उसमें थोड़ा ध्यान दें इस बारे में। तो मैं कहना चाहूंगी कि गौ और ब्राह्मण का कोई मतलब नहीं बनेगा सतनाम के चक्कर। सतनाम एक बहुत बड़ी चीज है, वाहेगुरु है, मतलब सच को धारण करने वाला ही सतनाम की पहचान कर सकता है, ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसके कुरे, डॉक्टर एसके कुरे जी, आवाज आ रही है हमारे कुरे साहब? हेलो जी, आ रही है सर। हाँ कुरे जी, आपके पास जो सतनामियों पर शोध किए गए कोई उल्लेख है तो इस संदर्भ में, जैसा कि सतनाम और सतनामी की उत्पत्ति के संदर्भ में आप अपनी व्याख्या करें इस सतनामी को, सतनाम के कारण जाना। जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब बोले जी। सभी संतों को जय सतनाम। आज के लाइव सेमिनार में उपस्थित आदरणीय कमलेश साध जी, आदरणीय भाटिया जी, आदरणीय मेघराज जी, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय जांगड़े जी और हमारे जितने भी महात्मा आज उपस्थित हैं, सभी को जय सतनाम। अब जैसे कमलेश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है कि सृष्टि में सतनाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मैं भी उस पर पूरी तरह सहमत हूँ कमलेश साध जी की बातों से, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई थी उसी समय से सत की भी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सभी धर्मों का मूल मंत्र होता है सतनाम से ही होता है, सत ही सब धर्मों का मूल मंत्र है। आप देखेंगे कोई भी धर्म है आज के समय में, आप यदि हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में भी सबसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, तो सबसे पहले सत्य की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले सतयुग आया। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो
उनके भी धर्म का, हिंदू धर्म का भी मूल मंत्र सती है। अब सिख धर्म में एक ओमकार सत्यनाम, ये मूल मंत्र है, वाहेगुरु जी ने कहा था। तो ओंकार एक है और वह सत्य है और वो निराकार है और वो सर्व विद्यमान है, कोई एक स्थान नहीं होता है। ईश्वर जो है, सत्य जो है, वो किसी पत्थर में वास नहीं करता है, ना किसी मंदिर में है, ना किसी जगह है, वो सर्व सृष्टि में विद्यमान है और घट घट में। बाबा गुरु घासीदास जी ने भी कहा जो है, सतनाम घट घट में समाये हैं, हमारी अंतरात्मा में सत्य समाई हुई है। जब हम सृष्टि के हर चीजों में, हर तिनके तिनके में, हर कणकण में, जब तक सत्य का वास का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम असली सतनामी नहीं बन सकते। सृष्टि की, सत्य ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि के हर कणकण में सत्य समाया हुआ है। क्योंकि आज जब देख रहे हैं विश्व शांति के लिए, आज पूरा देश विश्व आज लगा हुआ है, तो विश्व शांति पाने का सिर्फ एक ही सही तरीका हो सकता है, वो सतनाम का सही ज्ञान करना। और बाबा जी ने भी कहा है कि जानबे नहीं तो मानबे कैसे, क्योंकि जब तक आप सतनाम को जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। तो सतनाम को जानना बहुत जरूरी है, जब तक आप सतनाम को नहीं जानेंगे तब तक उसको मान नहीं सकते। इसलिए सतनाम को जानना बहुत जरूरी है, सतनाम को अपनाना जरूरी है, अपने जो खान पान रहन सहन अपनी अंतरात्मा में सतनाम को समाना बहुत जरूरी है, तभी हम सही मायने में सतनामी बन पाएंगे। और बाबा जी ने भी यही कहा कि ना पानी पीबे छान के गुरु बनाबे जान के, तो उनके कहने का मतलब है कि पानी जिस तरह छान करके पीने से शुद्ध मिलता है, वैसे ही हमें जो गुरु बनाना चाहिए, गुरु भी उसे बनाना चाहिए जो सो एक शुद्ध अंतःकरण का व्यक्ति हो और जो हमें सही ज्ञान दे, सतनाम का ज्ञान दे और सतनाम के रास्ते में जाने के लिए हमें मार्गदर्शन दे। तो जो पूरी सृष्टि जो है सतनाम से ही, सतनाम से ही समाहित है। और जैसे कि 1672 के पहले के इतिहास बहुत कम मिलता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शर्मा जी हैं, उन्होंने भी आजकल आज के समय में हितवादा में लेख उनका भी प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने भी कहा कि सतनामी जो है ये हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समय से इनकी उत्पत्ति हुई है और उस समय से सतनामी समाज जो है आज अलग अलग जगह में बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह मार्तिका पूजन की कुछ अवशेष मिले हैं, तो उनको उन्होंने उस अवशेष से उन्होंने आर्टिकल भी छापा है हितवादा में और बकायदा उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित भी किया गया है कि सतनाम जो समाज था, सतनामी समाज जो आज छत्तीसगढ़ में भी आया है, वो पंजाब हरियाणा से ही यहाँ से माइग्रेट होकर के आया है, वहां से विस्थापित होकर के यहाँ पर आया है। उनकी उत्पत्ति है, उनके DNA है, उनके रहन सहन है, बातचीत का तरीका है, उनके जो वेशभूषा मतलब और रहन सहन जो कट काठी है, वो वेरी मच सिमिलर टू द पीपल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा, तो वो काफी कुछ वहां से सिमिलर है। तो वो इसलिए बताया गया है कि काफी कुछ जो है, जो सतनामी समाज अलग अलग जगह में जो आज बटे हुए हैं, उनकी उत्पत्ति पंजाब हरियाणा सिंधु घाटी के आसपास की सभ्यता से ही हुई है। 1672 का युद्ध हुआ था, उसमें हम सभी को मालूम है कि सतनामी जो होते हैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, मात्र एक जो है सत्य ईश्वर के बजाय, और उसके अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। वही बात हुई थी औरंगजेब के साथ युद्ध में हुई थी, जब उन्होंने उनके जो अत्याचार हुआ सतनामियों के साथ, तो उन्होंने बकायदा बहादुरी से लड़ा, भले ही वो आखिर में किसी भी तरीके से परास्त हुए, अलग अलग भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर के फिर विस्थापित हुए। कई लोग बाराबंकी के क्षेत्र में गए, कुछ लोग फर्रुखाबाद के क्षेत्र में गए, कुछ राजस्थान गए, कुछ बंबई के क्षेत्र में गए, कुछ बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जंगल में भी आकर के बसे। और बहुत बाद में फिर बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ, उन्होंने सतनाम पंथ को फिर से पुनर्स्थापित करने का बहुत प्रयास किया। सतनामी आंदोलन एक छत्तीसगढ़ में जो चलाया, वो एक तरीके से पूरे ऐतिहासिक है और आज तक ऐसा छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आंदोलन सतनाम का बाबा गुरु घासीदास जी के पहले कभी नहीं हुआ था। तो उनके आंदोलन से प्रेरित होकर के आज छत्तीसगढ़ का के बहुत बड़ी संख्या में आज लोग सतनामी बने हैं। पर यदि इतिहास पर नजर डालें तो हम लोग ने कई ऐसे सर्वे देखे हैं, गैजेटियर देखे हैं हम लोग, और जो ब्रिटिश सेंसस देखे हैं, पहली ब्रिटिश जनगणना हुई थी 1871 में हुई थी,
तो 1871 में लगातार सतनामियों को हिंदू धर्म से अलग रखा जाता था। ये अलग ही उनकी कल्चर है, मतलब सतनाम कोई अलग से किसी कोई जाति नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में सतनामी को एक जाति में बांट दिया गया, सतनामी को जाति में बांट करके एक धर्म के अंतर्गत रख दिया गया है, तो वो एक तरीके से मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ब्रिटिश कालीन समय से ही सतनामी जो है, सतनाम पंथ एक अलग धर्म था, एक अलग पंथ था जिसकी अलग ही मतलब जीवन शैली थी। वो पत्थर रूपी ईश्वर को नहीं मानते थे, वो सर्वव्याप्त ईश्वर को मानते थे, उस सतनाम को मानते थे जो सर्वशक्तिशाली है और हर जगह विद्यमान है। तो जो इस तरह से जो अभी जो सतनाम को, जो सतनामी समाज को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा गया है, उसका भी एक तरीके से उस पर भी एक चर्चा होनी बहुत जरूरी है। एक अलग से मतलब पूरे भारत के सतनामी समाज है, उनको संगठित होना भी बहुत जरूरी है कि एक बड़ी मतलब कि एक सेमिनार जिस तरह से हो रहा है, ऐसे कोई जगह एक बड़ा सेमिनार हो, पूरे भारतवर्ष के सतनामी आए, अलग अलग सतनाम के जो जानने वाले हैं सतनाम की व्याख्या करें, एक नया मतलब कंक्लूजन निकले, उस कंक्लूजन को पूरे भारतवर्ष के लोग माने, भारत सरकार भी माने कि हाँ सतनाम समाज जो है एक कोई किसी धर्म के परे, धर्म से परे है, ये किसी धर्म की सीमाओं बाउंड्री से ये बाहर की चीज है। तो इसलिए कहीं भी जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आसाम के सतनामियों से भी मेरी बात हुई थी, तो वहां पे उन्होंने बताया कि उनको ओबीसी की श्रेणी में रखा गया था, अभी 1 साल से उनको ओबीसी से हटा दिया गया है। तो ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग धर्म के अंतर्गत इसको बांट करके, अलग अलग जातियों में इसको डाल करके, कई सारी चीजों की पहले जो इतिहास में सही जानकारी नहीं होने के कारण जो है, इसको सही स्थान जो है, सतनामी समाज को एक सही स्थान जो है आज भारतवर्ष में नहीं मिल पाया है। और सतनाम जो है ये किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है, किसी धर्म का प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि सतनाम मानव मानव एक समान का सिद्धांत देता है। सतनामियों के लिए हर मानव एक समान है, मनखे मनखे एक समान। तो हम किसी को छोटा नहीं मानते, किसी को बड़ा नहीं मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे लिए सतनामियों के लिए हर धर्म का व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है, हर जीव जो है, सृष्टि का जीव है, वो एक समान है, हम किसी पे भेद नहीं करते हैं। तो एक जो है ये एक समाज को एक जो है इसकी व्याख्या होनी चाहिए, इस पर गोष्ठी होना चाहिए, और इसके बारे में और जो नए कंक्लूजन्स होते हैं वो निकल करके जो भी रिसर्च है, वो अनुसंधान है, वो भारत सरकार के समक्ष रखा जाना चाहिए, और एक पूरे भारतवर्ष का सतनामियों का एक सम्मेलन किया जाना भी बहुत जरूरी है, जिससे क्या अलग अलग प्रांतों के सतनामी समाज जो रह रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और बहुत सारी चीजें जो है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत लोगों को नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण जो है आज का युवा पीढ़ी है गलत रास्ते में जा रहा है। पूरे जी बहुत शुक्रिया, हमारा समय भी सबको गवारा नहीं दे रहा है कि हम बारी बारी से इसको एपिसोड के माध्यम से चलाएंगे, आपकी इस विषय को लेकर फिर से हम सेशन पे जाएंगे। उस्मान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में, उस्मान जी अपनी आवाज को म्यूट करें प्लीज। मेघराज सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं कि ब्राह्मणवाद की उन्होंने बात कही और बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि एक उदाहरण दूं, मैं सतनाम संप्रदाय से एक जुड़ा है नाम अब्दुल कबीर साहब का, मैंने कहा तब विकिपीडिया पर उन्होंने एडिट करके डाल दिया कि भाई अब्दुल कबीर साहब की माता ब्राह्मण थी, मतलब पिता का तो किसी को ज्ञान नहीं, इनको माता मिल गई और फिर घुसेड़ गया और कोई रेफरेंस नहीं। तो इस तरह की जो मिलावट होती है सतनामियों से भी मैं कहूंगा कि उनके साथ भी, उनके साहित्य में भी और उनके साथ भी इस तरह की झूठी बातें सोशल मीडिया पर और अगर से हो रही है तो आप दक्ष रहें। मैं बहुत डॉक्टर कुर्रे साहब से सहमत जी, जी इंडिपेंडेंट उस्मान जी सही बात जी, और जी, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, हम आपके साथ हैं। जैसे कि लिंगायत समाज है, लिंगायत समाज एक अलग जो है वो रिलीजन है, अब वो संघर्ष कर रहा है, आदिवासी समाज है, रविदासिया समाज एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है, उसको खामखा दूसरे रिलीजन पर ठोस देना ये एकता के नाम पर होता है। सर्वधर्म संभाव सबसे बड़ा झूठ पाखंड जो बोला जाता है और उसी के नाम पे आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाता है। जी उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, हम आपके आपके साथ फिर जुड़ेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम को क्योंकि मेघराज जी ने भी इंडिकेशन किया है कि हम आपको ज्यादा आज समय दे नहीं सकते, तो बहरहाल हम एक एक मिनट में आज की इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह जी
भारत के अंदर में या विश्व के अंदर में सतनाम के मानने वालों को हम कैसे एक कर सकते हैं, इस संदर्भ में अपनी व्याख्या करें ब्रिजेन सिंह जी। हाँ देखिए साहब, एक मिनट से तो ज्यादा ही लग जाएगा। दिक्कत ये है, या तो आप सतनामी है या झूठनामी है, दो में से एक को चुनना पड़ेगा। आप झूठनामी भी बने रहने चाहते हैं और सतनामी भी होना चाहते हैं। उस्मान साहब ने बड़ा बड़े काम की बात कही है। देखिए अब्दुल करीम, जो करीम कहा, मैं उस परंपरा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरा परिवार सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर ब्राह्मणवाद पूरी तरह से घुसा हुआ है, और जो जिन्हें बैकवर्ड कहते हैं और दलित कहते हैं उनमें 3,500 जातियां, उनमें 3,500 जातियां इनमें हैं। ये सब अपने को सतनामी भी कहते हैं और ये झूठनामी भी इसलिए हैं कि पूरे जातिवाद को मानते हैं। तो तोते की तरह राम राम कहने से कल्याण होने वाला नहीं है। एक चीज आपको बहुत जानकारी जरूरी है, आप 2 मिनट मुझे दे दीजिए। कबीर को जैसा आपने बताया कि विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, क्योंकि कबीर ने इस जातिवाद को ललकारा, क्योंकि कबीर सचमुच सतनामी थे, मगर उनके फॉलोअर्स ने आज क्या जानते हैं वो, ये इन्हें कबीर दास कहते हैं। दास क्यों कहते हैं, कितने कबीरपंथी हैं जो इस बात को जानते होंगे कि को दास नाम क्यों लगा दिया। रैदास कहते हैं कि जाके ईद बकरीद कुल गौरे बधु, पूजे शेख सईद पीरा। शेख सईद की मान्यता जिसके घर में, ऐसे घर में कबीर हुआ है। आपके बगल में धर्मदास की शाखा है, वो धर्मदास कहते हैं कि माँ तुरकनी बाप जुलाहा, बेटा भक्त भय। तो जब जिन लोगों ने ललकारा उस जातिवाद को सत्यनाम के नाम पर, उन्हीं को जातिवाद से जोड़ दिया, उनको वैष्णव से जोड़ दिया, नाक पे तिलक लगा दिया, गले में कंठी बांध दी और सत्यनाम भी कहते रहे, तो अब इन मूर्खों के लिए यह कहने में शर्म आती है कि ये इन्होंने बट्टा लगा दिया गुरु के नाम को। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सुधर जाए ज्यादा अच्छा है, और व्यर्थ अपना समय खराब ना करें, पहले खुद सुधर जाए। और ये मानना कि वो कबीर दास हैं, इन मूर्खों को इतना पता होना चाहिए कि दास में, ब्राह्मणवाद में और जातिवाद में और सत्यनाम में क्या अंतर है। आपने सत्यनाम को ही जातिवादी बना दिया है, तो खुद सुधर जाओ तब दूसरों को शिक्षा देना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेन सिंह जी। भाटिया साहब, मैं अब लास्ट में अपनी आपके कमेंट हम जानना चाहेंगे कि दुनिया के अंदर में सतनाम के मानने वाले आज चिंतन कर रहे हैं, क्यों ना हम जो गुरु नानक साहब ने कहा है कि एक नूर के बंदे हैं, वो तो उस सतनाम के उस छत्र छाया में हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, इस पर अपनी विचार रखें। भाटिया साहब, आपने सतनाम को उस अकाल पुरुष या जिसे सत्य कहा, ओरिजिनल सत्य, घासीदास जी ने कहा, गुरु नानक ने कहा, भक्त कबीर जी ने कहा, अब्दुल कबीर साहब ने कहा, मैं नामों से नहीं जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सत्य तो सत्य सारे संसार के लिए है, वो क्रिश्चियन के लिए भी वही सत्य है, मुसलमान भाइयों के लिए भी वही सत्य है। लेकिन जैसे बिजेंद्र सिंह ने कहा कि आप इस सतनामी को इस वक्त एक सेपरेट संप्रदाय के रूप में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, उस नाम से, एक नाम से जो कि सर्व संसार सृष्टि के लिए एक है, तो वे बात भी पहले आपको सोचना होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन इसका क्या इलाज क्या है मैं नहीं जानता हूं। कि आफ्टर ऑल हर बात के लिए कोई ना कोई फिलॉसफी के आधार पे कोई ना कोई धर्म बन जाता है, कुछ संप्रदाय बन जाता है। तो मोहम्मद साहब, पीस बी अपॉन हिम, उनके नाम से वो भी तो सत्य की बात करते थे, लेकिन वो अपने मुसलमान बना रही है, अलग कर लिए। सिख भी एक ओंकार सतनाम की बात करते हैं, अलग बन गए, क्योंकि हमने जातिवाद को चैलेंज कर दिया। सिख कहलाते हैं इसलिए नहीं कि हम, हमारे सतनाम में एक फर्क है, नहीं, लेकिन हमने जातिवादी को चैलेंज कर दिया, इसलिए हम सिख कहलाने लगे। हम सिख हैं, हम जातियों को नहीं मानते भाई, समझे ना। तो जो विजय सिंह से बात कही है कि हमें जरूरत है जुड़ने की उस बेसिक प्रिंसिपल से, तो इससे ज्यादा क्या कहूंगा। लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, अभी डॉक्टर जागड़ी साहब ने कहा, उन्होंने मतीदास, सतीदास का नाम लिया है, दयालदास का नाम लिया है, जो कि सिख गुरुओं के साथ जुड़े हुए थे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मतीदास सतीदास भाई थे,
उनके जो पढ़ पढ़ दादा थे वो गुरु अर्जुन साहब से जुड़े हुए थे, उनका नाम था गौतम दास, और उनके जो पुत्र थे वो गुरु हरगोविंद साहब की आर्मी के जत्थेदार थे, कैप्टन थे उनके। तो उनका जो इतिहास के साथ इतना जोड़ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सतीदास, मसीदास, दयालदास जी जो भी जितने हमारे शहीद हुए हैं, हमारे हम शहीद कहते हैं उनको क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर साहब के साथ शहीद हो गए थे, तो उनका घासीदास जी, संत घासीदास के साथ क्या संबंध था कोई उनके परिवार का, शायद उनको मालूम हो, क्योंकि कहा जाता है कि संत घासीदास के जो पूर्वज थे वो भी उनका नाम था कोई मैं भूल गया हूँ, वो भी बड़े योद्धा कहे जाते थे, तो वो शायद किसी इंग्लिश राइटर में या किसी मुस्लिम राइटर ने लिखा है। मुझे वो लिंक चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम मूवी बना रहे हैं सतनाम के ऊपर, तो उसका मुझे ऐतिहासिक जो संबंध है उसके बारे में जान के बताइए मुझे प्लीज। जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने महत्वपूर्ण विचार को पॉइंट आउट किया है। मैं हमारे साथ संगीता वर्मा जी जुड़ रहे हैं। संगीता वर्मा जी आवाज आ रही है? हेलो जी 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 सर, सुन पा रही हूँ जी सर। तो आप अपनी अपनी कैमरा स्टार्ट करें और अपने विचार रखें सतनाम के बाबत जो आज चर्चा हो रही है, सतनाम और सतनामी के संदर्भ में अगर आपको कोई जानकारी है तो इस संदर्भ में, जैसा कि अभी भाटिया साहब ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ में और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में सतनामियों का जो शहादत के समय जो जो साथी साथ रहे हैं सतीदास मतीदास, इस संदर्भ में अगर कोई जानकारी हो तो शेयर करें। संगीता जी। जी जी सर, मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर संगीता वर्मा नई दिल्ली से हूँ, और अभी मेघराज सर ने लिंक भेजा था, इससे पहले भी हमारी मीटिंग चल रही थी और अभी चल रही है, मुझे लगा कि एक बार ज्वाइन करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने आमंत्रित किया बोलने के लिए। सर सतनामी जो इस समय मैं देख रही हूँ, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उत्सुक हूँ जानकारी लेने के लिए और जानना चाहती हूँ कि क्या है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली मैं इस चीज को रखना चाहती हूँ कि जो सतनामी जो पंथ है और जो हमारा कबीर पंथ है और हमारे गुरु नानक जी का जो पंथ है, तो सबके साथ जो है एक तरह से नाइंसाफी हुई है। और ये जो पंथ जो मानवता की बात करते थे, ये पंथ जो है पूरे विश्व में और पूरे मानव जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर लिंग और नस्ल के लिए समानता की बात करते थे, इन धर्मों को बहुत साजिश के तहत जो है यहाँ से खत्म किया गया है। और उनके जो महापुरुष थे, या तो उनको पूरी तरह से बेदखल किया गया, बहिष्कृत किया गया है इतिहास से, साहित्य से, और जब वो लगा कि बहुत बड़ी छवि है और उसको नष्ट नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया। जैसा कि मैं संत शिरोमणि कबीर जी के संदर्भ में इस बात को रखूंगी, और बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी क्योंकि आप लोग बहुत अमूल्य जो है बातें और विचार डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों का अपना समय निर्धारित होगा, मैं बीच में जो है अनवांटेड गेस्ट की तरह हूँ आपके बीच में। तो ऐसा हुआ है उनके जी, उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके जन्म को लेकर, उनके जाति को लेकर, उनके विचारों को लेकर और उनके जो रहन सहन को लेकर जो था मिलावट की गई विचारों की। और आप आज देखेंगे, और यही इक्वल जो चीजें हुई हैं वो गुरु नानक देव जी के साथ भी हुई, यही सतनामी जो पंथ है उसके साथ भी हुई। और आज मैं देख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में मेरे बहुत सारे साथी हैं जो सतनामी विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं और जन जन तक अपने जो है विचार पहुंचा रहे हैं। और मैं पढ़ूंगी उस पंथ के बारे में क्योंकि हमारे बहुत एक क्लोज साथी हैं, वो उस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं और वो इस पर काम कर रहे हैं। इस समय वो छत्तीसगढ़ रायपुर में हैं, तो मैं उनके संपर्क में भी हूँ। लेकिन चूंकि खुद ऐसा लगा कि बहुत सारे हमारे महापुरुष, मतलब सभी के महापुरुष, लगा कबीर, संत कबीर पर भी ये चीज हुई, तथागत बुद्ध के साथ ये चीजें हुई कि उनके जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर, उनके विचारों को लेकर जो है इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया। और आज जो हमें व्यवस्था दिखाई दे रही है, जैसे उन्होंने खुद कहा था कि माला फिरत जग भया गया न मन का फेर, लेकिन आज जो है उन्हीं को माला पहना दी गई है, तिलक और चंदन को लेकर वो विचार
विरोध करते रहे आजीवन, लेकिन आज उनकी मूर्तियों पर लोग तिलक भी लगाते हैं और कंठी भी धारण करते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। और जो समाज के लोग हैं, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अपने महापुरुषों की खोज करें, उनका जो है इतिहास खोजें। और आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आज हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं जिनके माध्यम से हम पब्लिकेशन कर सकते हैं, जन जन तक बात पहुंचा सकते हैं। तो जरूरी है कि हम जो है अपने लोगों को खोजें, और अपने लोग जो है हमारे महापुरुषों को वो लोग खोजें, और खोजने के बाद जो विचार दबा दिए गए, जिन विचारों में जो है मिलावट कर दी गई, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं क्षेपक के रूप में जोड़ी गई हैं, तो हम देखते हैं कि वो बाद में जोड़ दी गई, हमारे महापुरुषों ने ये बातें नहीं कही थी। तो ध्यान देने जी, बहुत शुक्रिया संगीता जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया संगीता जी, आने वाले समय में फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे। मैं एसके कुरे जी के पास फिर से दोबारा जाऊं। कुरे जी, अपनी आवाज म्यूट करें। जगदीश जी, मैं सिर्फ डॉक्टर संगीता, डॉक्टर वर्मा जी के बहुत ही आभारी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स कहे हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी टू लिसन टू हर, एंड आई विल बी हैप्पी इफ आई कैन कॉन्टेक्ट हर एंड एक्सचेंज सम थॉट्स विद हर। अगर आप उनका परिचय मुझे दे सकें, उनका कॉन्टेक्ट, बहुत खुशी होगी जी। बहुत शुक्रिया संगीता जी। भाटिया जी को हम उनका मतलब नंबर, आपका नंबर हम पहुंचा देंगे मेघराज जी के माध्यम से। कुरे साहब, आप लास्ट में जो सतीदास मतीदास जी, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के समय में जो सतनामियों का योगदान के संदर्भ में डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक जानकारी है कि गुरु घासीदास बाबा जी के जो परदादा थे मेदिनीदास जी, तो ये जो उत्तर भारत में जो सतनामी संप्रदाय के लोग दास लिखा करते थे, इस संदर्भ में अगर कोई व्याख्या हो जो गुरु जी के साथ में सतनामियों का जो संबंध रहा है, इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है? पूरे जी जगदीश कुरे जी, अभी तो वर्तमान में मेरे पास में आर्टिकल अभी नहीं है, पर मेरे पास वो उसका आर्टिकल रखा हुआ है, मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना। अभी जो है पूरी जानकारी अभी मेरे पास में अभी उसका स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, जो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा मैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं जी, भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बस वही कहना चाहता कि हम वो बहुत मटेरियल वो मांग रहे हैं मुझसे, जो फिल्म बना रहे हैं हम सतनामीज के ऊपर, तो उसके लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने काफी पढ़ा है, बहुत कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कमलेश दास जी अपनी जी, भाटिया साहब बस भाटिया साहब शुक्रिया। कमलेश दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कमलेश दास जी अपनी आवाज म्यूट करें। साहब सतनाम सतनाम। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सतनाम को केवल पंथ से ना जोड़ा जाए। पंथ तो केवल एक छोटा सा रास्ता है, सतनाम पंथ नहीं है। सतनाम को लोग सतनाम संप्रदाय कहते हैं, सतनाम संप्रदाय भी नहीं है, संप्रदाय कुछ लोगों का है, सतनाम धर्म है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिष्ट कर्ता सतपुरुष से हुई है, और पूरे विश्व में कौन से धर्म के लोग सत्य को नहीं मानते हैं। तो सतनाम पंथ नहीं है, सतनाम संप्रदाय नहीं है, सतनाम धर्म है। और ये शिष्य के प्रारंभ से रहा है, सदैव रहा है, आज भी है, और विश्व में आने वाले समय में अगर कोई एक धर्म होगा तो सतनाम धर्म ही होगा। इसलिए कहा गया है सत्य न दूजा धर्म समाना। तो सत्य के समान कोई धर्म ही नहीं है। हम केवल छत्तीसगढ़ तक सतनामी नहीं है, नारनौल तक ही सतनामी नहीं है, कोटवा धाम का सतनाम तो बहुत विस्तार है, समरसाई जगजीवन साहब का, यहाँ तक कि नेपाल में जो प्लेन इलाका है आधा वो सतनामियों का है, और लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर संख्या केवल उत्तर प्रदेश कोटवा धाम के सतनामियों की है। तो मैं खास रूप से ये कहना चाहता हूँ कि सतनाम को केवल नारनौल से ना जोड़ा जाए, सतनाम को जोड़ा जाए, सतनाम को कोटवा धाम से भी जोड़ा जाए। और एक प्रमुख शाखा है भुड़कुड़ा गाजीपुर, जहाँ
बुले साहब, कमलेश दास जी, कमलेश दास जी, हेलो कमलेश, कमलेश दास जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम का हमारा समय इजाजत नहीं देता, आने वाला समय फिर सेशन में हम आज हाजिर होंगे। मेघराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और भाटिया साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मेघराज जी कुछ कहें उसके बाद भाटिया साहब। मैं कहना चाहता हूँ देखो बहुत सारा जो इतिहास है बहुत मिक्स कर रहे हैं डॉक्टर एस के कुरे जी, इन्होंने बहुत कुछ मिक्स किया है और कमलेश दास भी बहुत कुछ मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा तो क्लियर करेंगे इतिहास को कि जो इतिहास जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तो इतिहास को जान पहचान ही नहीं पाएंगे उसको सच क्या झूठ क्या है। सतनाम ठीक है, सतनाम तो सतनाम अगर कहते हैं जैसे आप भी थोड़ा जगदीश कुरे जी ध्यान के ये जो आपने शब्द बोला ना कि अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के संबंध है, ये संत कबीरदास जी का शब्द है, ये गुरु नानक साहब का नहीं है। गुरु नानक साहब तो कहते हैं एक पिता एक इसके अंबारी के पांचवे पातशाह का शब्द है, तो एक जो है ना ये शब्द को थोड़ा ठीक करे। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसमें क्लियर हो, कई बार इसमें हिंदुत्व भी घुसाड़ देते हैं, कई बार इसमें सतनाम को भी ले देते हैं, सतनाम और हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है, हिंदू धर्म है ही नहीं है, आपने देखा हो गया। इसको थोड़ा सा क्लियर करें इस बात में और इसको थोड़ा मिक्स ना करें किसी चीज को, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। थैंक यू सर, जी शुक्रिया मेघराज जी। भाटिया साहब, मैं अभी कमलेश जी कह रहे थे कुछ, लेकिन जो जानकारी है वो तो कहा जाता है कि नारनौल में 1657 में 1657 में जो बीर भान थे उन्होंने सतनामी समाज का शुरू किया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। उसके बारे में अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट कमेंट हो, 1672 में तो लड़ाई हुई ना, युद्ध हुआ, लेकिन सतनामी जो धर्म कह लो कुछ भी कह लो वो 1657 में 57 में बीरभान जी ने शुरू किया था, ऐसा इतिहास में पढ़ने पड़ा है। जी कमलेश दास जी, भाटिया साहब जो पूछ रहे हैं उसके संदर्भ में अपनी कुछ बात रखें। देखिए कमलेश दास, 1672 को जो औरंगजेब का युद्ध हुआ था वो उसमें सभी सतनामी पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे। अभी एक बात आई कि उत्तर प्रदेश के जो सतनामी हैं वो नारनौल से आए हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी सतनामी जो संत जगजीवन दास से संबंधित है वो कोई भी नारनौल से नहीं आया हुआ है, और मेरा बिल्कुल नारनौल से कोई मेल नहीं खाता है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के भी सतनामियों का वहां से कोई मेल नहीं खाता है। जिस समय सतनाम बिल्कुल समाप्त हो चुका था, समर साईं जगजीवन साहब का 1670 में अवतार हुआ, उन्होंने जो है 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत 33 भजनानंदियों को दीक्षित करके सतनाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठित करके और पहुंचाया। यहाँ तक कि लोग कहते हैं जात की बात करते हैं, मैं और हमारे यहाँ जगजीवन साहब की जो 14 गद्दी हैं उसमें जो है दो दो गद्दियां जो है मुसलमान की हैं, कायम दास पठान और प्यारे दास धुनिया जी, और मनसा दास रैदास जी भी हैं, बाल दास कोरी भी हैं। तो सतनाम को जात से न जोड़ा जाए। कुटवार हम जो जगजीवन साहब का अवतरण हुआ है नारनौल के युद्ध के बाद, तो अगर जगजीवन साहब का अवतरण न हुआ होता, छत्तीसगढ़ तो बाद में गुरु घासीदास जी अवतरित हुए हैं, लेकिन जगजीवन साहब ने सतनाम को यहाँ तक कि ईरान इराक और पाकिस्तान, एक गद्दी मेरी पाकिस्तान में शिवदास जी पंजाबी की भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी चर्चाएं हूँ तो नारनौल बात हम मानते हैं, वीर भान सिंह ने काफी प्रयत्न किया सतनाम को बचाने के लिए, लेकिन जब सतनाम पूर्ण रूप से 1672 में समाप्त हो चुका था तो समर साई जगजीवन साहब ने सतनाम को संगठित करके जो है पूरे विश्व में फैलाया, इसलिए सतनाम को जो है आद्य परिवर्तक समर साई जगजीवन साहब को कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कमलेश शाह जी। मैं एस के कुर्रे जी के पास चर्चा के लिए जाना चाहूंगा लास्ट कमेंट के लिए। कुर्रे जी अपनी आवाज को इम्यूट करें। कुर्रे जी हेलो, जी जी बताइए जी। जी जिस से अभी कमलेश दास जी ने कहा कि नारनौल से सतनामियों का कोई
लिंक नहीं मिलता है, तो इस बाबत अपनी बात रखें। और दूसरी बात यह है कि जो अभी बातें इतिहास में जो जानकारी मिलती है कि आपने भी कहा था कि सतनामियों का जो कद काठी है या जो डीएनए है वो सिखों के साथ मिलता है, गुरुओं के, के साथ मिलता है, और जो सतीदास मतीदास जी के बारे में जो बातें आती है कि वो सतनामी थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन मुझे जानकारी मिला है कि उत्तर भारत में ब्राह्मण समाज में भी सतनामी संप्रदाय है और आज भी सामान्य जाति के रूप में उत्तर भारत में विराजमान है, वो जनरल कास्ट में आते हैं लेकिन सतनामी हैं और सतनाम को मानते हैं। तो उस बाबत जो सतीदास मतीदास थे वो सतनामी ही थे, इस संदर्भ में थोड़ी व्याख्या करें जी। अभी जो आदरणीय कमलेश सर जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ, पर कई ऐसे ऐसे लेखक हैं जैसे फारस के लेखक थे खफी खान जी, उनका लेख था, इलियट डाउसन का लेख था, तो अलग अलग लेखों में इसका अलग अलग संदर्भ देखें तो इसमें व्याख्या अलग अलग तरीके से मिलती है। कुछ इतिहासकार कहते बताते हैं कि, और कई अधिकृत इतिहासकार बताते हैं कि जो है इसका विस्थापन हुआ था, नारनौल का युद्ध हुआ था, उसमें जो बचे थे जो सतनामी समाज के लोग वो उसमें बहुसंख्यक लोग छत्तीसगढ़ में भी विस्थापित हुए थे और सोनाखान के जंगल में आकर के बसे थे। कुछ समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों में विस्थापित हुए और वहां जाकर के उन्होंने अपना सतनाम को वहां वहां पर अपनी अपनी जगहों में अपने तरीके से अपने स्वरूप में उनको मानने लगे। तो इसकी एक शोध का विषय है और इस पर और शोध की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग लेखकों के अलग अलग इतिहासकारों की इसमें अलग अलग व्याख्या रही है। मैं बिल्कुल कमलेश साहब जी के बात का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया है कि जो ये छत्तीसगढ़ में जो आए थे, राजस्थान में आए थे, बंबई में आए थे और जैसे यूपी के भी कुछ पार्ट में गए थे, ये अलग अलग जो नारनौल युद्ध के बाद अलग अलग जगह में विस्थापित हुए थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आर के शर्मा जी है उनका भी आर्टिकल है, उन्होंने भी यहाँ पर जो स्टडी किया है पुरातत्वविद के द्वारा जो किया गया है उनका, उनमें भी उन्होंने सिमिलैरिटीज पाई है कि हाँ छत्तीसगढ़ के सतनामी है जो राजिम में मिला है, उनका अवशेष मिला है वहां पर, कुछ जो उस समय जो मिट्टी के जो स्कल्पचर्स रहते थे उनको वहां से लाया गया था और वो उसमें सिमिलैरिटीज मिली है कि जो हड़प्पा संस्कृति से, और ये माना जा रहा है कि जो वहां पे मिट्टी के जो वहां पर मिले हैं और वो सब जो है ये सतनामी समाज के लोगों ने ही बहुत समय पहले जो है वहां से विस्थापित होकर के अपने साथ में यहाँ लाया था छत्तीसगढ़ में, और उसी का ये जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है राजिम के पास में। तो ये एक शोध का विषय है और इसमें बिल्कुल अभी ये एक राय बनाना भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं कि वो सतनाम पंथ को मानने वाले हैं तो उनमें हर किसी में सिमिलैरिटीज है, क्योंकि इस पंथ को जो मानते हैं सिख संप्रदाय मानते हैं, चाहे सतनामी मानते हैं, चाहे कबीरदास मानते हैं, चाहे रविदास मानते हैं, चाहे बाराबंकी से बाबा जगजीवन दास जी के पंथ थे वहां से मानते हैं, चाहे बंबई साइड है उधर के लोग मानते हैं, तो सभी के जो मूल जो है मंत्र है सतनाम का वो सभी का एक है, उनके जो कल्चर्स है वो भी सेम है, शराब को नहीं पीना है, सत्य को मानना है, सफेद कपड़ा वस्त्र धारण करना है, सत्य के राह पे चलना है, क्योंकि उनके जो आइडियोलॉजीज हैं वो सभी जगह एक समान है। तो इससे पता चलता है कि ओरिजिन सभी का एक ही रहा होगा, जब तक ओरिजिन सेम नहीं रहेगा तब तक वो सिमिलैरिटी जो है समानता जो दिखती है वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए जी बहुत शुक्रिया कुर्रे जी, आप हमारा कार्यक्रम एकदम बिल्कुल समाप्ति की ओर है, हमारा समय इजाजत नहीं देता, मैं लास्ट कमेंट के लिए ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट को हम यही खत्म करना चाहेंगे, अपनी सारगर्भित बातों से और लास्ट कमेंट दें आज के इस सतनाम व्याख्या पर। हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा आपका ये डिस्कशन रहा। मैं एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो ब्राह्मणवाद है वो वैष्णव बन करके सतनामियों में घुसा, और इसमें जो इनके रामानंद जो हैं, इनसे पहले इनके वो गुरु हुए हैं रामानुज, ये दास लिखते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, माला टोपी वगैरह लगाते हैं, तो ये जो जातिवाद पूरा की पूरा सतनामियों में घुस गया, उसका कारण था कि शिक्षा शूद्र और अति शूद्र की शिक्षा बिल्कुल बंद की हुई थी।
अतीश शूद्र को तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा ही समझा, लेकिन जिन्हें ओबीसी कहते हैं उनका पढ़ाई लिखाई के लिए भी बड़े कठोर नियम बना दिए गए कि इनकी बोटियां काट दी जाए, इनके सीसा भर दिया जाए, इनकी जुबान काट दी जाए। तो ये अशिक्षा के कारण ऐसा हुआ है। एक शिक्षा का आंदोलन अगर आप चलाएं और इतिहास को सही तरीके से समझें तो अपना शुद्धिकरण आप कर सकते हैं, वरना इतना भ्रष्टाचार उन्होंने मचा रखा है और आपके दुश्मनों से ही अपने दुश्मनों से आपको लड़ा देते हैं। औरंगजेब के बारे में बार बार बात आ रही है, मैं एक बात कहता हूँ, औरंगजेब वो शख्स था जिसने कि ब्राह्मणवाद को इस्लाम में घुसने से रोकने की कोशिश की थी। तो जब उसने कोशिश की तो बजाय औरंगजेब से ही बढ़ा दिया। तो इसको जरा गहराई से देखने की जरूरत है। ये नहीं है कि जो इतिहास उन्होंने पढ़ा दिया ब्राह्मणों ने वो तोते की तरह पढ़ते जा रहे हैं, इससे तो बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देना चाहेंगे और आज हमारे इस डिबेट में प्रमुख रूप से, महत्वपूर्ण रूप से बाराबंकी कोटवा धाम से कमलेश दास जी जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एस के कुर्रे, डॉक्टर जितेंद्र जी अमेरिका से, जसबीर भाटिया साहब, नौसाद उस्मान साहब, संगीता वर्मा जी और नवरतन साथ जी, किसी कारणवश से टेक्निकल कारण से वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन आज हम लोगों ने उनको कोशिश किया था कि वो गांव से दिल्ली चल के आए थे और वो अपनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातों को रखना चाह रहे थे, क्योंकि उत्तर भारत के वो बहुत सतनामियों के बाबत इतिहास की 40 साल 50 साल की उनके पास अनुभव की जानकारी है। बहरहाल नेक्स्ट सेशन में उनको फिर से बुलाने की कोशिश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अपनी कीमती समय दे करके आज के इस डिबेट में वॉइस ऑफ मानवता चैनल में अपनी विचार को रखे। होने वाले समय में हम ज्वलंत समस्याओं मुद्दों को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सलाम अलैकुम, सतनाम जोहार, सतनाम जाहिर, वालेकुम सलाम।